A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now I know A B C. Please sing with me. सब समझ गए होंगे कि इंग्लिश का क्लास शुरू होने वाला है. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलिए, आपका इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और मैं बीच बीच में रिवीजन करवाऊंगी. मैंने एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी करवाई हैं और आज उन्हीं एक्टिविटीज़ का किसकी आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं ओरल रिवीजन करवा रही हूँ. चलिए स्टार्ट. फर्स्ट देखिए, आपका है, आपकी बुक की बुक है ये स्टेप एंड लर्निंग इंग्लिश प्री प्राइमर. ठीक है, इसका पेज नंबर 7 से एक्टिविटी है जो हम पेंसिल से कर सकते थे, कोई और चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे. वो एक्टिविटीज़ का मैं रिवीजन करा रही हूँ. फन विद लेटर, बताइए एल. फर्स्ट है मैच द लॉलीपॉप्स दैट आर द सेम. तो ये आपकी लॉलीपॉप्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो इसको क्या करना था, आपने मैच किया था ना मैच. जिन जिनके बच्चों के पास बुक है उन्होंने मैच जरूर किया होगा. ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे साथ रिवाइज कर लेंगे. हो गई आपकी एक्टिविटी. ये नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है, ये देखिए मैच द लेटर वाई विद द करेक्ट इमेज. यहाँ पर हमारे पास कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. कौन कौन सी पिक्चर है, याक, वॉच, और ये क्या है, येलो कलर. तो वाई फॉर क्या होता है, याक और वॉच या फिर येलो कलर. तो कौन कौन सी करेक्ट इमेज हो गई इसमें, दो इमेज हमारी करेक्ट हो गई, वाई फॉर याक हो गया और वाई फॉर येलो कलर भी हो गया. ओके, नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है ये देखिए, फाइंड द लेटर ओ. ओ आपको पूरा ही क्या दिया, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑस्ट्रिच, ओ फॉर ऑक्टोपस, ओ फॉर ऑक्स. यहाँ पर क्या है, आपने फाइंड द सर्किल द लेटर ओ, आपके ये ब्लॉक बना हुआ है और इसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट दी में. तो आपने क्या किया था इसको, मैंने आपको ये नोटबुक में भी एक्टिविटी कराई थी, इन सारे में जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनमें ओ को फाइंड आउट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल ए सी ओ, तो आपको क्या करना था, यहाँ पे सर्किल कर दो या आप टिक मार ला सकते हो. नेक्स्ट लाइन में ओ, तो यहाँ पर आप टिक मार लगाया था आपने. नेक्स्ट थर्ड में देखिए, आपको इसी तरीके से रिविज़न करवा रही हूँ मैं. ओ नेक्स्ट, हर लाइन में ओ है देखिए, है यहाँ पर आपने फाइंड आउट किया था. नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी मैच द पिक्चर विद द शेडो. शेडो मीन्स परछाई, और यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई है और यहाँ पर इनकी परछाई है. तो आपको सेम पिक्चर को सेम शेडो से मैच करना है. जैसे फर्स्ट देखिए क्या है, काओ. अब काओ की ये इमेज है, इमेज बोलते हैं पिक्चर को, और शेडो जो परछाई है. अब फर्स्ट आपकी जो है काओ की शेडो कहाँ है, ये लाइक दिस, तो आपने मैच किया था. नेक्स्ट है कैट, अब आप लोग पहचान भी गए होंगे कैट की है. नेक्स्ट है कैप, तो आपने ये मैच किया था. ये एक्टिविटी क्लास है. फिर आपने, चलिए ये तो छोड़िए, इसमें तो अलग से कुछ चीज़ होगी, तो लेकिन हमने सर्किल बनवाया था, सी को सर्किल शेप में बनवाया था. नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी फाइंड द लेटर, फाइंड एंड सर्किल द लेटर ए. अभी आपने कौन सा फाइंड आउट किया था, ओ. अब आपने क्या करना है इसमें एक्टिविटी में, ए. अब फर्स्ट ब्लॉक को देखिए, ए, तो आपको ए को क्या करना है, सर्किल करना है लाइक दिस. नेक्स्ट ब्लॉक में ये देखिए, फिर फर्स्ट टाइम में दो बार ए है, नेक्स्ट में नो, नहीं नेक्स्ट में भी है सेकेंड टाइम. अब थर्ड में वी डी ओ पी एन एक्स नो वाई. फोर्थ में देखिए, फोर्थ ब्लॉक में Y then A, तो A को सर्किल करना है. फिर यहाँ पे नहीं है. नेक्स्ट फिफ्थ ब्लॉक में देखिए, फिफ्थ सीरीज में Q S A, तो यहाँ पर आपने सर्किल किया था. तो ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हुई थी. नेक्स्ट आपकी देखिए क्या है, S for ship, क्या क्या होता है, S for sun, S for shape, S for snail, S for star. अभी हमने जब आपकी एक्टिविटी ड्राइंग क्लास की थी सैटरडे को, तो हमने स्नेल बनाया था ना, और किस शेप से बनाया था, किस अल्फाबेट से या डिजिट से बनाया था, 6 से बनाया था. देखना आप मेरी क्लास वॉच करना, फिर बताना मुझको इसको. अब ये देखिए इसमें एक्टिविटी है आपकी फाइंड द वे फॉर शिप. अब वे शिप कहाँ पे चलता है, कहाँ का है बताइए, एयर ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, या सी या वाटर ट्रांसपोर्ट है. तो शिप कहाँ चलता है, वाटर ट्रांसपोर्ट है. तो आप इसका फाइंड आउट करेंगे वे लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि ये पानी में चलता है.
तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, फिर आपकी आ गई फाइंड एंड सर्कल द लेटर एन, एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नस्ट नट्स, एन फॉर नेट और एन फॉर नर्स। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट देखिए ए ओ एन, तो यहाँ पर भी एन को सर्कल करना है। अब सेकेंड लाइन में बी एन, सी एन, यहाँ भी एन को सर्कल करना है। थर्ड लाइन में डी एफ एच आई एस टी आर नो। नेक्स्ट है फोर्थ लाइन में देखिए एन एंड अगेन एन, फिर एम ओ एच आई ए। तो यहाँ पे आपने क्या करा, एन को फाइंड आउट किया था। ये एक्टिविटीज़ क्यों होती हैं, क्योंकि बच्चों के माइंड में एक चीज़ बैठ जाए। अभी आपने अल्फ़ाबेट डिजिट जो भी सीखे हैं उसको अलग अलग तरीके से करवाते हैं कि बच्चे के माइंड में ये अल्फ़ाबेट अच्छे से क्लिक कर जाए, दिमाग में बैठ जाए कि ये एन से एन ऐसे बनता है, एम ऐसे बनता है, ओ ऐसे बनता है। इसलिए ये एक्टिविटी डिफर डिफर वे में करवाई जाती हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप, अब आ गई एक्टिविटी आपकी सर्कल द करेक्ट अल्फाबेट यूजिंग क्रियॉन्स, हमने करवाई थी ना। फर्स्ट है देखिए ई, अब ई को क्या करना था, यहाँ पर आपको कैपिटल ई दिया है, अब इसमें स्मॉल ई का उसको क्या करना है आपको सर्किल करना है। तो ये देखिए ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैपिटल ई के साथ स्मॉल ई आपको करना है। नेक्स्ट है एल, कैपिटल एल, अब यहाँ पर भी आपको स्मॉल एल को सर्किल करना है। नेक्स्ट है टी, अब स्मॉल टी को सर्किल करना है। नेक्स्ट जी, तो स्मॉल जी को आप सर्किल करेंगे। ओ, कैपिटल ओ और स्मॉल ओ, सिर्फ साइज का डिफरेंस है इसमें कैपिटल और स्मॉल में। नेक्स्ट है जेड, अब है यू, देन सर्किल करेंगे। एफ, एन, आपने की थी ना एक्टिविटी सब बच्चों ने दी, जिनके पास बुक अवेलेबल है अगर एक्टिविटी नहीं की है उनको कंप्लीट कर लेना बेटा। वी, देन आर, वाई, एच, तो एच को सर्किल करना है। क्यू, बी, तो बी को सर्किल करेंगे। के, के में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं स्मॉल के और कैपिटल के, इसको क्लियर करना। मैं बीच बीच में अभी और रिवीजन आपको करवाती रहूँगी। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है ठीक है, मैच द स्मॉल लेटर विद द कैपिटल, ये भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर। फर्स्ट है स्मॉल एस को कैपिटल से, देन आई, अब आई को आपको यहाँ करना है। नेक्स्ट है पी, स्मॉल पी को कैपिटल पी से, देन एम, तो स्मॉल एम टू कैपिटल एम। डब्लू, स्मॉल डब्लू टू कैपिटल डब्लू। सी, स्मॉल सी टू कैपिटल सी, देन ए, स्मॉल ए टू कैपिटल ए, देन जे, स्मॉल जे टू कैपिटल जे। ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हुई। यहाँ पे आपने क्या करा, स्मॉल और कैपिटल दोनों का रिवीजन हो गया आपका दोनों एक्टिविटीज़ में। अब नेक्स्ट है आपका मैच द पिक्चर विद द करेक्ट अल्फ़ाबेट, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब फर्स्ट है मैंगो, तो आपने किसको, एम को पिक्चर को मैच किया था। नेक्स्ट क्या है, जी फॉर जेली, तो जेली को आपने मैच करा। वी फॉर वैन, अब ये क्या है, पी फॉर पैरेट और एल फॉर लॉइन। आप देखिए यो यो, वाई फॉर यो यो। नेक्स्ट है टी फॉर टॉर्टस। नेक्स्ट ई फॉर एप्पल, अब क्या है, ई फॉर एग। अब बताओ जल्दी से क्या बचा, ये एच फॉर हॉर्स। तो ये एक्टिविटी भी आपकी कंप्लीट हुई। अब है आपकी लुक एट द अल्फ़ाबेट कलर द करेक्ट पिक्चर, यहाँ पे अल्फ़ाबेट को देखना है। जैसे मींस फॉर एग्जांपल क्यू, अब क्यू फॉर क्या होता है, टू इमेज, दो इमेज दी गई हैं, पिक्चर दी गई है। क्यू फॉर क्विल, या ये क्या है, बॉल, तो क्यू फॉर क्विल है, तो आपको क्विल को क्या करना है, कलर करना है। नेक्स्ट है डब्लू, डब्लू फॉर बुक या वाटरमेलन, वाटरमेलन, तो आपको वाटरमेलन को कलर करना है। नेक्स्ट है बी, बी फॉर बैलून और कैट की इमेज है, तो आपको जो करेक्ट इमेज है वो आपने कलर की होगी। नेक्स्ट है एक्स फॉर क्रिसमस ट्री या टॉर्टस, एक्स फॉर क्रिसमस ट्री, ये कलर करना है। डी फॉर एग या डक, डक, तो डक को आपने कलर किया। एस फॉर फिश या सन, तो सन को। आई फॉर आइसक्रीम या लैम्प, तो इसको कलर किया है आई फॉर आइसक्रीम। ये आपकी बुक है और आ गया सर्किल द करेक्ट अल्फाबेट, ये क्या है बताइए जल्दी से।
कलेक्ट, ये एम फॉर मंकी, तो आपने मंकी को कलर ये सर्कल करना है। नेक्स्ट है के फॉर काइट, एल और के, के को, ये है एच फॉर हाउस, तो हाउस को एच को सर्कल करना है। नेक्स्ट आप पिक्चर देखिए, क्या है वास, वी ए एस ई, अब यहाँ पे डब्ल्यू भी है और वी भी है, तो क्या होगा वी फॉर वास, तो वी को आपको क्या करना है सर्किल। नेक्स्ट है ये पिक्चर बताइए, ज़ेब्रा, वाई और जेड, तो आपको किसको करना है जेड फॉर ज़ेब्रा। और लास्ट आपका आया था वोवेल एंड कंसोनेंट्स, हाउ मैनी वोवेल्स आर देयर, देयर आर फाइव वोवेल्स, ए ई आई ओ यू, ए फॉर मीन्स एप्पल, ई मीन्स एग, आई फॉर आइसक्रीम, ओ फॉर आउल और अम्ब्रेला, फाइव वोवेल्स होते हैं। एंड देयर आर हाउ मैनी कंसोनेंट्स, देयर आर 21 कंसोनेंट्स, कौन कौन से होते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हो गया। तो ये 21 कंसोनेंट होती हैं और 5 वोवेल्स, कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ और यू। तो ये आपकी पूरी बुक की एक्टिविटीज़ थी जो मैंने आपको रिवीजन करवाया है, अब पूरा रिवीजन बुक का करवाया है हमने एक्टिविटी का, तो आपको मेरे को कैपिटल ए टू जेड एंड स्मॉल ए टू जेड होमवर्क में करके भेजना है, और उसको आप भी ओरल रिवीजन करना, अपनी बुक कंप्लीट होने के बाद भी हमको बीच बीच में रिवीजन करते रहना चाहिए, इससे क्या होता है एकदम कभी कोई भी कुछ पूछेगा तो एकदम से हमें माइंड में क्लिक कर जाएगा।